जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं मैच नंबर 4 आईपीएल 2021 सीजन 14 की, जो होना है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच। आप सभी को बता दें दोस्तों, पहले पंजाब किंग्स की टीम का नाम था किंग्स इलेवन पंजाब, लेकिन इस साल इनका नाम और लोगो बदलकर ये रख दिया गया है पंजाब किंग्स, जिनका शॉर्ट फॉर्म PBKS है। वहीं RR के साथ इनका मुकाबला होने वाला है। एक तरफ होंगे टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल, तो दूसरी तरफ होंगे टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जो इस साल पहली बार कप्तानी करते नजर आने वाले हैं इस सीजन। बता दें दोस्तों कि इससे पहले पंजाब और राजस्थान की जब भिड़ंत हुई है तब किसने बाजी मारी है। साफ आंकड़े दोस्तों दर्शा रहे हैं कि इसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम की बढ़त है, क्योंकि अभी तक 21 मुकाबलों में इनका आमना सामना हुआ है, जिसमें से 21 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है, 12 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है, तो 9 बार किंग्स इलेवन पंजाब, यानी कि पंजाब किंग्स। साफ पता चलता है कि पंजाब किंग्स ज़्यादा ही हारी है मुकाबले और राजस्थान रॉयल्स का दबदबा कायम है। लेकिन ऐसे में आपको बताया दोस्तों पिछले सीजन के आंकड़े की, तो पिछले सीजन इनके 2 मुकाबले हुए थे, दोनों ही मुकाबलों को शानदार तरीके से राजस्थान रॉयल्स टीम ने जीते थे। लेकिन यहाँ पर हमें यह देखने को मिला था, एक तो नॉकआउट मुकाबला बहुत कपास का था, क्योंकि उसमें राहुल तेवतिया ने 5 छक्के लगाकर जीत दर्ज कराई थी। अब बात करें दोस्तों सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कौन करता है इन दोनों टीमों के बीच जब मैच होता है, तो संजू सैमसन का बेहतरीन प्रदर्शन है पिछले कुछ सीजनों से जब भी इन दोनों टीमों का मुकाबला हुआ है। उसके बाद नाम सामने आता है KL राहुल का, फिर नाम सामने आता है जॉस बटलर का, उसके बाद नाम सामने आता है क्रिस गेल का। ये 4 ऐसे बल्लेबाज हैं कि जब इन दोनों टीमों का मुकाबला होता है तो इन दोनों ही टीम से 4 बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजों की बात करें दोस्तों, तो इसमें गेंदबाजी में दोनों ही विदेशी गेंदबाजों का नाम शामिल है, जो है जोफ्रा आर्चर और बैन स्टोक का। जोफ्रा आर्चर बहुत घातक साबित हुए हैं पंजाब किंग्स के लिए, तो दूसरी तरफ बैन स्टोक्स ने भी नींद उड़ा रखी थी। एंड्रू टाय भी दोस्तों खतरनाक खिलाड़ी थे, लेकिन इस साल क्या खेलते हैं या नहीं ये तो बात का बात है, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं जब इन दोनों टीमों का मैच होता है। इन 4 खिलाड़ी और 6 खिलाड़ी पर निगाहें होंगी, जिसमें 2 गेंदबाज और 4 बल्लेबाज हैं। दोस्तों आपको और आंकड़े बता दें तो साल 2020 में इनके मुकाबले बहुत काफ़ी क्लोज मुकाबले थे। एक मुकाबले में तो किंग्स इलेवन पंजाब से बल्लेबाजी करते हुए क्रिस गेल ने 99 रन बनाए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने उनकी विकेट ले ली थी, जिसकी वजह से किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज क्रिस गेल खासा नाराज दिखे थे। तो दोस्तों आज के महामुकाबले में आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? क्या वो KL राहुल की पलटन होगी जो कि पंजाब किंग्स, या फिर राजस्थान रॉयल्स जो संजू सैमसन की पलटन है? आप कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।